नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल मुंगा है और आज 17 सितंबर 2018 है। दोस्तों, आगे एक वीडियो दिखाया जाएगा आपको जिसमें ये पता लगेगा कि सन सन हमारा एक फुटबॉल की तरह है या एक फ्लैट डिस्क है जो लाइट एमिनेट करता है और उसके सिर्फ फ्रंट से रोशनी आती है या पीछे से भी आती है। फ्लैट अर्थर्स ये मानते हैं कि सन एक लाइट डिस्क है जिसके सिर्फ फ्रंट से रोशनी आती है, पीछे कोई लाइट नहीं है। लेकिन जो ग्लोब अर्थर्स हैं, जैसे नासा बताता है, जो कि जिन लोगों का ग्लोब में पूरा विश्वास है, वो ये मानते हैं कि सन जो है वो एक एक फुटबॉल की तरह है जिसके पीछे भी लाइट है, हर जगह लाइट आती है। आप सनराइज सनराइज का एक वीडियो देखिए, जो कि एक व्यक्ति ने कन्याकुमारी से, हिंद महासागर के तट से ये वीडियो बनाया है सनराइज का, जो कि नासा कभी नहीं बोलेगा बनाने के लिए, क्योंकि सनराइज के टाइम पे आप सन को जैसे ही जूम करके देखेंगे आपको पता लग जाएगा, और आप पानी की वहां पर मूवमेंट को देखेंगे उससे पहले, सन के निकलने से पहले और फिर बाद में, तो आपको पता लग जाएगा कि सन का पानी से, सॉल्ट वाटर से क्या कनेक्शन है। बहरहाल, अभी यहां पर प्रश्न क्या है कि जो डोम है, ग्लास का जो डोम है, उस पे सन की लाइट जो है रिफ्रेक्ट कर रही है, जो कि ये कहती है, जो कि ये साबित करती है कि पृथ्वी जो है ग्लास के डोम से कवर्ड है, वरना रिफ्रैक्शन कहां नजर आएगा। इसमें क्लियर नजर आ रहा है, आप ये देखिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या ये भी सबूत मानने लायक है या नहीं, या फिर साइंस इसको कहेगी कि ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जैसे कि वो हमेशा कहते हैं कि ऐसा हो जाता है वैसे हो जाता है। वो सारी सारे के सारे तथ्यों को नकार देते हैं और कहते हैं हमारे थ्योरी पे विश्वास कीजिए, बाकी किसी पर कुछ विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज के पीछे बहुत बड़ा स्कैम छिपा हुआ है जो आज का नहीं चल रहा। सैटेलाइट्स बाहर भेजे जाते हैं, जो कि बाहर भेजना संभव ही नहीं है। जब वो ग्लास के डोम से कवर्ड है तो जो सैटेलाइट्स और जो रॉकेट्स हैं, आप उनको समुद्र में गिराते हो और सबको साबित ये करते हो कि आप उसको ऑर्बिट में जाके स्थापित करवाए। ആ വരുന്നു വരുന്നു കേട്ടോ, എല്ലാവരുടെ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയിന്റ് അറ്റത്തേണ്ടാ, സൂര്യ ഉദിക്കുന്ന കേട്ടാ, ഉദിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടോ, അതോ ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു കർവ്, ചെറിയൊരു കർവ് ഉണ്ടോ, ആ ഹാ, അത് ആ പോയിന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണേ, കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അത് നോക്ക് നോക്ക്, ആ ആ ക്യാമറ പോകരുത്, അത് കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റ്, എഡ്ജ് പോകും മോളെ, സെൻട്രൽ നമ്മളൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നോക്കി, അതിൻ്റെ ശല്യം ഇത് അറ്റത്തോട്ട് നിൽക്കരുത്, കണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ, അതിനല്ലേ രാവിലെ വരെ വന്നിരിക്കുന്നു, ദൂരത്തേക്ക് വിട്ടു ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നല്ല, പോരെ പങ്കുവരണം.
ലിസി കൊടുത്ത മതിയാവും അല്ലേ.